अपनी वादा जो है वादा खिलाफी करेंगे तो किसान संघ जो है गांव-गांव में जाकर जन जागरण कर आपकी सरकार को हटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फूड फैक्ट्री में गन्ना बेचे हैं उसका हमको न्याय योजना के तहत 27,000 मिलना चाहिए। सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने की बात कही थी वो सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी उसमें कोई चर्चा तक सरकार ने नहीं की है। और भारतीय किसान संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से अपनी मांगों को रखने के लिए आज एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है जहां पर प्रदेश भर के किसान संघ के कार्यकर्ता और उसके सदस्य और जो उसके समर्थक हैं वो तमाम यहां पर मौजूद हुए हैं। लगातार मांगे चल रही हैं छत्तीसगढ़ में और कबीरधाम जिला हो चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश का कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पर गन्ने की खेती हो चाहे धान की खेती हो या रबी की फसल हो बोनस की मांग को लेकर आप लोग आगे आते हैं लेकिन 2 साल हो गए सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जिस तरीके से भूपेश जी ने लोक लुभावन वादे करके और गंगा जल की कसम खा करके अपनी सरकार बनाई किसानों को विश्वास में लेकर के आज 4 साल पूरा होने को जा रहा है। उस गंगा जल की कसम और किसानों को विश्वास दोनों को सरकार ने तोड़ा है। एक एक बीज धान खरीदने की बात करने वाली सरकार मात्र 14 क्विंटल 80 किलो धान खरीद रही है। अरे कम से कम आज की परिस्थिति के हिसाब से सरकार को यह भी समझना चाहिए कि किसानों की उपज बढ़ी है 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की पैदावार हो रही है और आप मात्र 14 क्विंटल 80 किलो धान खरीद रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कम से कम सरकार को किसान हितैषी अपना जो चेहरा है उसको दिखाते हुए हृदय को विशाल करते हुए कम से कम 20 क्विंटल की धान खरीदी करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार बनने के पूर्व जो है अपने घोषणा पत्र में 4 साल पूर्व की जो सरकार है उनकी बोनस देने की बातचीत की थी और इसी को सोच करके किसानों ने उनको वोट भी दिया लेकिन 4 साल पूरा होने को जा रहा है। हम किसान बोलते हैं बोनस तो सरकार बोलती है हमको कोनस। तो जिस सरकार किसान जो किसानों को जो अपेक्षा कर रही है उसको कोनस कह रही है, जिस दिन किसान जो है उनको कोनस करके बोलना शुरू कर देगी उस दिन भूपेश जी की सरकार जो है उसकी कुर्सी हिल जाएगी। अगर भूपेश जी किसान हितैषी हैं तो मार्च महीने में अभी जो है बजट सत्र शुरू होने वाला है 2 साल का बोनस और 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा अविलंब करें। कितनी राशि होगी जब लगभग बोनस की कितनी राशि है जो होल्ड है सरकार के पास? देखिए 2 साल का बोनस जो है पूरे प्रदेश भर के किसानों को अगर देना होगा तो राशि पर्याप्त राशि होगी और इसका आंकड़ा जो है सरकार के पास स्वयं होगा क्योंकि पंजीकृत किसानों की संख्या उनके पास है। कितना जो है उस समय की सरकार बोनस देती थी वो भी रिकॉर्ड उनके पास है, ये सारे रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध हैं। सरकार की मंशा केवल जो है करने की होनी चाहिए, अगर सरकार स्वस्थ मन से करे तो बोनस देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वे सरकार किसान ही तैसी सरकार कहती है लगातार 4 सालों में और भाजपा के बाद जिस तरह से उन्हें मौका दिया गया है इस वर्ष चुनाव होने हैं, क्या लगता है इस वर्ष बोनस मिल पाएगा या नहीं? अभी तक 4 साल पूरा होने के बाद भी सरकार मौन बैठी है, इस विषय पर कोई चर्चा करना नहीं चाहती तो इससे तो लगता है कि सरकार की मंशा जो है वादा खिलाफी की है और अपने घोषणा पत्र को नज़रअंदाज करने की है और जनता और किसानों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है जो कतई किसान जो है स्वीकार नहीं करेगा। क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय में, चुनाव है, किसानों का किस तरह से समर्थन होगा भूपेश सरकार को? देखिए आपको अपने वादे और अपने घोषणा पत्र को पूरी करनी होगी, इसी भाव के साथ किसानों ने आपको वोट दिया था, अन्यथा ये अपनी वादा जो है वादा खिलाफी करेंगे तो किसान संघ जो है गांव-गांव में जाकर जन जागरण कर आपकी सरकार को हटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कवर्धा में दो शुगर फैक्ट्री है, वहाँ 60% गन्ना को हम बाहर बेचना पड़ता है, 40% गन्ने को हम शुगर फैक्ट्री में बेचते हैं, उसको 60% जो गन्ना बेचते हैं उसको इधर उधर कम भाव में एकदम जो मर्जी आए शुगर फैक्ट्री वाला उस भाव में खरीदता है। अभी क्या है 5 एकड़ का माल मेरा गन्ने का सर्वे है, 2 एकड़ गन्ना का आपको बोनस दे रहा है 48,000 और 3 एकड़ जो गन्ना का फसल है उसको हम गुड़ फैक्ट्री में बेचते हैं उसको हमको बोनस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन न्याय योजना के तहत 9,45,000 वो काट रहा है तो हमको बोनस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हमको सरकार से मांग है कि 3 एकड़ जो गुड़ फैक्ट्री में गन्ना बेचे हैं उसका हमको न्याय योजना के तहत 27,000 मिलना चाहिए और 2 एकड़ का जो हम शुगर फैक्ट्री बेचे हैं उसमें 9,28,000 काट के अपने बोनस देना चाहिए। अभी 79 रुपया 80 पैसा 50 पैसा
बोनस के मतलब राशि दे रहा है प्रति क्विंटल, तो 48,000 हो रहा है लेकिन 45,000 काट रहा है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि वो 3 एकड़ को अलग किया जाए, 2 एकड़ के जो मतलब फसल है उसका हमको बोनस दिया जाए। सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने की बात कही थी, वो सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी उसमें कोई चर्चा तक सरकार ने नहीं की है, और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है बोनस देने की इन विषयों को। और जैसे धान का पूरा धान लेने की बात कही थी सरकार ने, दाना दाना धान लेंगे, वो भी धान का विषय अभी तक आधा उधरा पड़ा हुआ है। सिंचाई परियोजनाएं एक भी कहीं चालू नहीं हुई, कहीं प्रारंभ नहीं हुई, कहीं आधी लटकी हुई है। इन सब विषयों को लेकर भारतीय किसान संघ आज किसान अधिकार रैली कर रहा है। आज 1 तारीख, परसों हमारा बजट है। इस हम चाहते हैं कि सरकार इस बजट में किसानों की समस्त मांगों को पूरा करे और किसानों को राहत प्रदान करे। तो ये बड़ा आंदोलन एक दिवसीय है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पिछले जिस तरह से 4 सालों में भूपेश सरकार ने अपने योजनाओं में किसान की के लिए जो बात कही थी, किसान हितैषी सरकार जिसको कहते हैं, वह सरकार यदि 2 सालों के बाद अगर अभी भी अगर वो बोनस नहीं देती है, अगर किसान के हितों में कार्य नहीं करती है, तो इसका प्रभाव जो है इस 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा, ऐसा किसान संघ के द्वारा ये कहा जा रहा है। हालांकि एक दिवसीय आंदोलन है, ये विरोध प्रदर्शन है और सरकार का ये आखिरी बजट सत्र है, तो अगर इस समय अगर बोनस नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम जो है आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।